मुझे ये बता, एक 500 रुपए की किताब है, ठीक है, उस किताब को जला दिए, उससे मुझे ये बता तेरे अल्लाह को फर्क पड़ता है कोई? फर्क तो किसी को नहीं पड़ता, हमें फीलिंग्स अटैच है ना ओके, उसी के अगर साथ, क्या हम अल्लाह लिखे को कोई हैं? फर्क नहीं पड़ता तो तुझे फर्क क्यों पड़ता? हम बात और की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो समर्थन करते हैं, उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के ज़हनी गुलामों ने अपने दीन के चलते पूरी दुनिया को गलत और खुद को सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, सबसे पाकीजा और सबसे ज्यादा अमन पसंद बताते हैं। दूसरों की मुकद्दस किताबों को गलत बताते हैं, उनके माबूतों की तौहीन करते हैं। ये लोग हर वो अमल करने से बाज नहीं आते जिससे सामने वाले को ठेस लगे। ये लोग इस तरह के अमल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी किताबें इन्हें ऐसा करने का हुक्म देती हैं, और जब कोई दूसरा इनकी हरकतों के चलते रिएक्ट करता है तो ये लोग रोने गाने लगते हैं, हाय तौबा मचाने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। मानसिक रूप से अपंग ये लोग किसी के साथ भी मिलजुल कर नहीं रह सकते। आज के समय में पूरी दुनिया में इन लोगों की कौम बदनाम है। इनके आतंक को देखते हुए कई देशों ने तो इन पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। इन लोगों के दिमाग में भरी गंदगी उस दीमक की तरह है जो अमन चैन को खोखला करने पर आमादा है। इन लोगों से आप 2 मिनट बात करके देख लें, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ आजकल ये लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं, पर एक्स मुस्लिम समीर ने जो कुछ भी किया है ये लोग दूसरों के साथ 1400 सालों से करते चले आ रहे हैं। आप ना देखिए, इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से अब तक उलमा का एहतियाती क्या कहते पहलू यही रहा है कि भाई तकदीर के मसले को मत छेड़ो, ठीक है? हम खेलेंगे, हम तुम्हारे, सुनो मेरी बात सुन लो पहले। अब तुमने जो स्टेटमेंट दिया है ना ये बहुत सही दिया है, लेकिन वो तुम्हारे जैसे दिमागी अपंगों के लिए है कि तुम्हारे उलमा को ये बात अच्छे से मालूम है कि ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन भरा हुआ है, उन्होंने कहा कि इस पर डिस्कशन ही मत करो, डोंट गो इन द डीप, क्योंकि एडम साहब आपका क्या डायलॉग है, द डेविल इज इन द डिटेल। ये तुम्हारे उलमा को मालूम है, तो उन्होंने क्या कर दिया, कह दिया कि भाई ये तकदीर इकदीर के मामले में डीप में घुसो ही मत, इस पे ज्यादा डिस्कशन करो ही मत, हम करेंगे क्योंकि हम तुम्हारे ऐसे दिमागी अपंग नहीं है, हम तो सवाल करेंगे, कन्विंस करो, हम इस्लाम लाने के लिए तैयार है, कन्विंस करो ना, क्यों डिस्कशन नहीं करेंगे? राज छुपा हुआ है, ये राज की बातें हैं, द डेविल लाइज इन द डिटेल। तो तुम दिमागी अपंग हो, तुम नहीं कर सकते, हम करेंगे। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है मौलानाओं को लेके आओ और बोलो कि इधर बैठे हैं 2 मुर्तद। आपका फाइनल स्टेटमेंट भी हमने सुन लिया कि आपके उलमा ने मना किया इस पे बात करने से। क्या आज के टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं रिजवान? अच्छा, रिजवान भाई डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस नहीं वो भाग गए, उन्होंने क्या खत्म बेहतर इसलिए कि भाग जाओ। मुल्लाओं ने बेवकूफ बनाया हुआ है, जाहिल बनाया हुआ है, अपंग बनाया हुआ है, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट, एंड दे कांट इवन कॉम्प्रिहेंड कि ये जाहिल बने हुए उन लोगों के हाथों में। जी फुरकान साहब अनम्यूट कर ले। अब ये कुरान जलाना जो है ये क्या है, ब्लास्फेमी है? ये जो कुरान जलाना है ये एक डिसरेस्पेक्ट है करना, वही है साहिल, वही है यार, वही है। अरे वो नहीं है यार, ये चुप कर यार। हाँ क्या बता रहे थे, कुरान जलाना क्या है? हाँ ये देखो, अगर मैं आप तेरी भगवद गीता जला दूं या तेरी महाभारत जला दूं, ये जो वो ठीक है कुरान पे। भाई फुरकान अभी कुरान पे बात हो रही है ना, उस पे रहिए। क्या कुरान जलाना गलत चीज है ना? मैं तो बोल रहा हूँ गलत चीज, गलत चीज है। आर यू श्योर 100%? अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, चलो ओके भाई। लोग कुरान जलाना ये डिसरिस्पेक्ट है, बेहुर्मती है, ब्लास्फेमी है, और ये अपनी बात चेंज नहीं करेंगे। अच्छा फुरकान साहब, जो अगर ये ब्लास्फेमी करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जो ये ब्लास्फेमी करता है, अगर इस्लामिक हुकूमत में देखा जाए तो ये एक हिसाब से जब लोगों के सामने ये मतलब ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ये सब चीजें, तो इसमें तो सजा मौत ही है ऐसे इंसान। अच्छा तो भाई लोग जो कुरान को जलाए उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, ठीक है? एक मिनट रुके, मैं जरा वो हदीस खोल देता हूं, मैंने खोला था लेकिन फिर उसके ऊपर से दूसरी हदीस खुल गई थी। ये है हदीस सही बुखारी की, हदीस नंबर 4987, क्या कहती है? चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। हुदैफा बिन अल यमन केम टू उस्मान एट द टाइम एंड द पीपल ऑफ शाम एंड द पीपल ऑफ इराक वेर वेजिंग वॉर टू कॉन्कर आर्मेनिया एंड अजरबैजान।
उदयफा वॉज अफ्रेड ऑफ देयर पीपल डेट सफे की है यार आखिरी लाइन ठीक है चलो ओके आखिरी लाइन मुद्दा Thabit on any point in the Quran, then write in the direct dialect of Quraysh. The Quran was revealed in their tongue. They did so, and when they had written many copies, Usman returned the original manuscript to Hafsa. Usman sent to every Muslim province one copy of what they had copied and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary, manuscript, or whole copies, be burned. Kato. तो आपने कहा कि कुरान को जलाना ये ब्लास्फेमी है उसका कत्ल करना चाहिए तो उस्मान तो सारे कुरान की कॉपी को जो उसके अलावा उसके पास थी वहां लोगों के पास मौजूद थी उस सबको जलवा दिया देखो सुनो मेरी बात इसका जवाब देता हूँ मेरी बात सुन दो अभी का जो कुरान है ना वो अरेबिक मक्का की जो प्रॉपर अरेबिक जो वहां यूज की जाती थी अरेबिक लैंग्वेज वो उसमें प्रिजर्व किया गया हर कोई कुरान जो अभी आप देखोगे उसी लैंग्वेज में अब उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स में कुरान थे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो क्योंकि ये जो हदीस का कॉन्टेक्स्ट आप दे रहे हो इसका कॉन्टेक्स्ट असली असल में ये है कि वहां के जो लोग थे उन लोगों को आपस में इख्तलाफ हो रहा था इस चीज पे कि वहां का एक्सेंट चेंज था कहीं नमाज में कोई एक्सेंट चेंज हो रहा था साबित करते हैं कि यहां पे एक्सेंट की बात हो रही है इसी वजह से जला गया जला दिया मान के अरे भाई ये हदीस ज़ईफ़ है सही हदीस के मुताबिक दिखा दे कि एक्सेंट चेंज था उसके मैं रेफरेंस मुझे लाना पड़ेगा उसका लेकिन ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो ये चीज बोल क्यों रहे हैं जब 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 रेफरेंस नहीं है तो अरे भाई तुमने सवाल किया मेरे से मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये जवाब अगर गलत निकला तो मुझे कैसे मान ले आपकी बात हाँ रेफरेंस के बिना कैसे मान ले आपकी बात ठीक है मैं रेफरेंस लेकर आता हूँ ठीक है रेफरेंस लेके आएंगे भाई और हमको बताएंगे लेकिन अभी जो इनका ब्लैंकेट स्टेटमेंट था कि कुरान जलाना ब्लास्फेमी है और मौत की सजा है अब वो चेंज हो गया बिल्कुल वो चेंज अब वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट में इफ्स एंड बट्स आ गए आई मीन सी इतना डिसेप्टिव और ये लोग जो है इतने हिपोक्रेट होते हैं डोगले होते हैं इसने स्टार्टिंग में ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया था कि कुरान जलाना बेहुरमती है और गुस्ताखी है ब्लास्फेमी है उसको कत्ल की सजा होनी चाहिए अब इसने ब्लैंकेट स्टेटमेंट से हट के अब इफ्स एंड बट्स पे आ गया ये इस हिसाब से तो एडम साहब दुनिया में अभी जितने वर्जन मौजूद है कुरान के 30-40 तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर कोई भी इंसान मान लो कि मोरक्को में है वो ठीक है वहां पे वर्स चल रहा है तो अब वहां पे हब्स की कॉपी अगर दुकानों में मौजूद है और उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो क्या फिर हम सबको भी इजाजत है कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम उसको जलवा दे बेशक जला दो उड़ा दो खाक कर दो लिखा हुआ भाई ने ये तो मेरा अगला आर्गुमेंट दूंगा ना जब लेके आएगा मेरे पास एक्सेंट मैं तो क्या अगला आर्गुमेंट भी आएगा जब मेरा एक्सेंट लेके आएगा ना मेरा प्यारा भाई अच्छा फुरकान भाई को लगता है रेफरेंस मिल गया हां भाई अबे ये तो तूने आर्टिकल दिया है भाई कौन सी हिस्ट्री वो नाम बता अरे भाई ये तो आर्टिकल उसी बेस पे है ना पढ़ लो ना यार आर्टिकल जो मर्जी पढ़ लो ओ भाई ये प्रूवन फैक्ट है तू अभी जो गूगल अब्बा के पास जाके सर्च मारा ना आर्टिकल जो मिला है उस आर्टिकल को अच्छे से रीड कर और उसने कौन सी हिस्ट्री की किताब का हवाला दिया है जिसमें वो डिफरेंट एक्सेंट थे ये बताया गया है वो रेफरेंस दे हम यहाँ पे रेफरेंस खोल देंगे और टाइम ले ले मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ जब तक इन द मीन टाइम जो ओल्ड हो गए उनको ले ले साथ में ताकि हम इसको जरा आगे भी लेके चलें यार हाँ चलो तमीम साहब हेलो जी तमीम साहब जरा मुझे एक बात बताओ सर मुस्लिम है आप सब बात बताएंगे हाँ मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जी जी ये भी पुराना बंदा है यार सर नहीं ये तमीम नाम तो मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ यार पहले आए हो तमीम भाई आया भाई हाँ आया भाई एक दो बार आया भाई ये भी आया भाई आप कैश लेने की जरूरत नहीं है एडम साहब ना कैरी ऑन कैरी ऑन जी तमीम साहब कुरान को जलाना ये क्या है ब्लास्फेमी में आता है किसमें आता है ये आप क्या समझते हैं ब्लास्फेमी है कि नहीं भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे नजर में तो ब्लास्फेमी नहीं है नहीं है ना ब्लास्फेमी अगर मैं भगवत गीता को जलाऊं कैसा लगेगा
यार तुम ऐसा करो, तुमने जितने भी बाइबलें जलानी जला दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बताओ, नहीं पड़ता सर, नहीं पड़ता, जलाओ, नहीं पड़ता। बाकी क्रिश्चियन को भी जलानी है, किसी को नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है, एक सेकंड ऐसे रहो, मुझे पता भगवत गीता भी जला दो यार, बाइबल जलाना जिसको मैं मानता हूं वो किसी साइल से पूछ रहा, साइल हिंदू नहीं है ना, अबे साइल हिंदू नहीं है ना, हिंदू से जाके पूछिए, मैं बता रहा हूँ जितनी मर्जी बाइबल जलानी जलाओ भाई। अच्छा बाकायदा, बल्कि एडम साहब हिंदुस्तान में मनुस्मृति भी जलाई गई है, रामचरितमानस भी जलाई गई है बाकायदा, किसी मतलब जला सकते ना, तो और भी जला सकते हैं ना। ठीक है मैं जला देता हूं भाई, मैं कह रहा हूं बाइबल जलाओ जितनी जलानी है जलाओ, ठीक है तुम लोग अलाउ करो, फिर तुम लोग उसको भी सपोर्ट करोगे। अरे कह तो रहा हूँ जलाओ, और किस तरह को लिख के दे रहा हूँ बताओ, जलाओ यार जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, जलाओ सही है। तो अब जवाब दे दे भाई, कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है क्या नहीं है? हाँ तो तुम लोग को अपने रिलीजन की इज्जत ही नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे तेरे से पूछ रहा हूँ इस्लाम, तो अगर हमारे को आजादी है, जो पूरा ट्रेंड चला है ब्लास्फेमी करके, तेरे जैसा उन लोग ने इग्नोर क्यों नहीं किए कि तुम्हारे को आजादी है जलाने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमें इज्जत है ना अपनी किताबों का। अब तुम लोग ब्लास्फेमी है क्या नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ भाई, कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है क्या नहीं है? है ना ब्लास्फेमी है, क्यों नहीं है? तो यही सवाल का जवाब तो पहले भी तो दे सकता था ना, तो मतलब आप मानते हो कि ब्लास्फेमी है कुरान को जलाना? वरना क्या नहीं है वो, इसी तरीके से जिस तरीके से तुम लोगों के लिए भगवत गीता को जलाना या मूर्ति को तोड़ना, जितनी मर्जी जला दे, जरा यहाँ किसी हिंदू को लिसन, गो बाय 10 बाइबल्स, कैमरा ऑन कर और 10 की 10 बाइबल खरीद के ला और जला दे, कोई परवाह नहीं। हिंदू मेरे चैनल पे नहीं है, मैं हिंदू के चैनल पे नहीं हूँ, तू हिंदू के चैनल पे जाके पूछी। अभी मैं बैठा, मैं तुझे बोल रहा हूँ, इस वक्त तू जाके 10 बाइबलें खरीद के ला, खोल के दिखा ये बाइबल है, उसके बाद मैं तुझे कैमरा ऑन करके अपनी स्ट्रीम पे तुझे बाइबल चलाने दूंगा। और बता, और बता, मैं बता रहा हूँ नहीं, ये साहिल कह रहा है ना हिंदू चैनल है, इसने तो अभी मैं कब कहा भाई ये हिंदू चैनल है, क्या तेरे कान बज रहे रसूलुल्लाह की तरह, घंटियां बज रही, कोई मसला अगर नहीं है तो ठीक है, मैं वीडियो एक बनाता हूँ, उसमें मैं ये तमाम लोगों की मूर्तियां बनाता हूं, तो या तू मेरे चैनल पे आ और मेरे चैनल पे आके जला। ठीक है मूर्तियां भी तोड़ूंगा, भगवत गीता को भी जलाऊंगा, ये याद रखना तू यार, मूर्तियां भी तोड़, लेकिन उसके बाद सुन, उसके बाद अगर तू ये सब कुछ करेगा तो क्या मैं उसके बाद कुरान जला सकता हूँ लाइव उसी तरीके से? यही मैं समझा रहा हूँ ना तुम लोगों को। अरे क्या बंदा है यार ये, यही तो मैं भी समझा रहा हूँ, जिससे तुम लोगों को बुरा लगता है। तुम लोग बचपन से जला रहे, इट्स नॉट अबाउट रिएक्शन, इट्स अबाउट कि एक किताब है वो, उसकी क्या फेस वैल्यू है, कितने की खरीदते हो कुरान, कितने का खरीदते हो कुरान, कितने का मिलता है कुरान आजकल? कुरान पैसे नहीं, उसमें जो लिखा है वो इज्जत है ना। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ कितने का मिलता है कुरान, फ्री में बांटते क्या कुरान दुकान पे जाएगा तो? ये पैसों का मामला नहीं होता, ये फीलिंग्स अटैच होती है। अबे यार मैं पूछ रहा हूँ कितने का मिलता है यार, कोई बंदा बता यार, गूगल पे सर्च करके बताओ यार, इंडिया में कुरान कितने का मिलता है यार? 150 का, 200 का, 500 का, कितने का यार बताओ जरा मुझे यार। 300-400 का आता होगा। चलो जी 500 लगा देते हैं, राउंड 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 ट्रिप 500 का। मुझे ये बता, एक 500 रुपए की किताब है, ठीक है, उस किताब को जला दी है, उससे मुझे ये बता तेरे अल्लाह को फर्क पड़ता है कोई फर्क? तो किसी को नहीं पड़ता, हमें फीलिंग्स अटैच है ना उसी के साथ। अगर अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुझे फर्क क्यों पड़ता यार? ये ब्लास्फेमी है ना हमारे लिए, क्या समझ नहीं आ रहा? ओके किधर, अच्छा सुन, कुरान को जलाना एक ब्लास्फेमी है, किसी भी सही हदीस से या कुरान की आयत से साबित कर दे। नहीं एडम साहब, उस्मान पे फतवा लगाने बोलो ना इनको, चलो मान ले, सामने पड़ी हुई है वो, तो सामने पड़ी हुई है, लेकिन पहले साबित तो कर देना ब्लास्फेमी है। साहिल साहब ये हर चीज को ब्लास्फेमी बना देते हैं, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज से। चलो चलो आप अपने हिसाब से, ब्लास्फेमी है मुझे किसी भी सही हदीस से या कुरान की आयत से साबित कर दे कुरान को जाना ब्लास्फेमी। देखिए उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हेलो भाई बात सुनो, ये मैंने नहीं पूछा, तुम लोगों के अल्लाह का मजाक उड़ाते हो, नहीं उड़ाते, तुम क्रिश्चियन अल्लाह का मजाक उड़ाते हो ना, उसको कहते हो ना वो अल्लाह नहीं था। देखो भाई बात ये है, ये मजाक थोड़ी है, तो आर्गुमेंट ये तो आप ही दे सकते हो यार, आर्गुमेंट नहीं है, तुम लोग गालियां देते हो, ये गंदी चीजें करते हो। अरे भाई सुनो, अच्छा कोई ये कहे अल्लाह मोहम्मद साहब झूठे नबी है तो चलेगा? मैं कहूंगा साबित करके दे, वो अब गालियां देगा तो वो तो गलत है। हां झूठे नबी, लेकिन बर्दाश्त करेगा क्या कोई कहेगा तो झूठा नबी है? मैं कहूंगा साबित करके,
मैं साबित कर भी दूंगा पहले जो सवाल है उसके बाद बर्दाश्त करेगा कोई अगर झूठा नबी बोलेगा रसूलुल्लाह को? देखिए उसने गाली तो नहीं दी ना, मैं कहूंगा तूने आर्गुमेंट दिया है तो साबित करके दे। तो ये कोई ब्लास्फेमी नहीं है ना झूठा नबी अगर कोई अल्लाह के रसूल को कहे तो? अगर मजाक में करे है ना, किस सेंस में बात करे, बात करने का तरीका भी अगर कोई कहता है भाई कि मैं मोहम्मद साहब को झूठा नबी मानता हूं तो क्या इसको तू ब्लास्फेमी कंसीडर करेगा या नहीं करेगा? देखिए जो नहीं मानता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब वो तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट यही बोलता है, वो अब मुझे मजाक में ये बोलेगा तो ये गलत है। मजाक में तो ब्लास्फेमी है या नहीं रे भाई? तुम लोग आइडल साहब इन लोग सीधा सीधा आंसर क्यों नहीं देते भाई? आप अपने पता नहीं यार ये बीमारी है कोई यार, इन्हें बीमारी है कोई यार, ये बीमारी आज तक समझ नहीं लग सकी, इस बीमारी का भी कोई नाम होना चाहिए। आप पूछो यार, आप अपने हिसाब से जो आप आर्ग्यूमेंट पूछ रहे थे यार। चलो मैं आसान करता तुम्हारे, मोहम्मद एक पेडोफाइल था, मानते हो इस बात को ना? देखिए आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ब्लास्फेमी है कि नहीं है ना, मतलब क्या है? नहीं है, बस बात खत्म हो गई। तो मोहम्मद को पेडोफाइल कहा, मोहम्मद को पेडोफाइल कहा, ब्लास्फेमी है, ठीक है डन। अब मुझे ये बताओ तुम लोगों के भगवानों को खुदाओं को झूठा बोलते हो, उनकी किताबों को झूठा बोलते हो, उनकी किताबों को बदला हुआ बोलते हो, करप्टेड बोलते हो, ये ब्लास्फेमी क्यों नहीं? ये कैसे ब्लास्फेमी? हम तो एक सिंपल आर्गुमेंट देते हैं, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। देखो सिंपल आर्गुमेंट नहीं है ना, दिस इज द सेम थिंग। मैं कहता हूँ कुरान बदला हुआ है, पेडोफाइल है मोहम्मद और वो नबी नहीं है, ये ब्लास्फेमी है। तुम दूसरों के खुदाओं कहते हैं इनकी किताबें बदली हुई हैं, इनके खुदा खुदा नहीं है, ये झूठे हैं, वो ब्लास्फेमी नहीं है, ये क्या बात हुई? यानी अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट आए तो वो ब्लास्फेमी है, लेकिन तुम जो मर्जी बक लो वो ब्लास्फेमी नहीं है। देखिए तरीका होता है ना, एक होता है आप ऐसे सवाल, मैं इज्जत से कहता हूँ जनाब हजरत इज्जत माप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पेडोफाइल गालियां कब दे रहा हूँ भाई, मैं आपको इज्जत से बता रहा हूँ ये बात। आपने कहा इज्जत से बताओ मजाक के अलावा, मैं मजाक के अलावा इज्जत से बता रहा हूँ। देखिए एक चीज होता है फॉर एग्जांपल आपको जैसे मुझे बाइबल में कोई चीज ठीक नहीं लगी, मैं बोलूंगा इस वर्ष का मतलब क्या है भाई, इस वर्ष का मतलब क्या है आप लोग नहीं पूछते। नंबर वन, नंबर टू आप लोग कहते हैं बाइबल करप्टेड है, नंबर थ्री आप लोग कहते हैं ईसा खुदा नहीं था, नंबर चार आप लोग कहते हैं ये किताबें बदल चुकी हैं, इन लोगों ने झूठ घर लिया है, नंबर पांच आपने अपनी मर्जी का एक नया नबी घर लिया है। सो वंस अगेन आप लोग जो मर्जी किसी को कह दो वो ठीक है, कोई आपको रिवर्स में क्या ब्लास्फेमी बन जाती है? क्यों भाई बदब आ गया साइल से बंदा आ गया जिस भी बंदे ने मेरे साथ इस मामले में डिस्कशन करनी है कि यार गीता जलाऊं या फलाना जलाऊं या टमाकना जलाऊं, वो आए बाइबल के ऊपर, जिसने जलाना आए मेरे चैनल पे आके जलाए, हम दोनों मिलके जलाएंगे, मैं भी अपना कैमरा खोलेगा वो भी अपना कैमरा खोलेगा, वो बाइबल जला ले मैं कुरान जलाऊंगा, दोनों मिलके इकट्ठे एक ही का ऐसा काम करेंगे, मेरे ख्याल मेरे हिसाब से वो ब्लास्फेमी नहीं है, तुम्हारे हिसाब से फिर ये ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, फुल स्टॉप। तो देखा दोस्तों यही है असली इस्लाम, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे, हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, वंदे मातरम।